हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार हम 4-5 दिनों से हम एक चैप्टर है उसका नाम है भैया डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र, इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। साथियों, आज की इस वीडियो में या फिर आज के इस लेक्चर में हम साथियों पेंक्रियाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथियों, पेंक्रियाज को हिंदी में कहा जाता है अग्नाशय। साथियों, आप अग्नाशय के बारे में ये भी कह सकते हो कि अग्नाशय एक ऑर्गन है, या फिर आप ये भी कह सकते हो साथियों कि अग्नाशय एक साथियों मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि है। साथियों, इसकी आकृति पत्ते के समान होती है। इसकी खोज साथियों लेंगर हेंस नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने की थी। आपको मैं बता दूं साथियों, पेंक्रियाज से साथियों एक जूस का निर्माण होता है जिसे पेंक्रियाटिक जूस कहा जाता है, और साथियों इसी पेंक्रियाटिक जूस में साथियों एंजाइम होते हैं। साथियों, ये एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, इसी वजह से साथियों पेंक्रियाज को हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं, फिर साथियों हम पेंक्रियाज के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले ये देखिए साथियों कि भैया पाचन होता है क्या है। तो साथियों, भोजन के बड़े बड़े पोषक पदार्थों या बड़े बड़े अणुओं को हमारे शरीर में विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया व एंजाइमों की सहायता से, गौर से सुनना, हमारे शरीर में विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया व एंजाइमों की सहायता से छोटे छोटे अणुओं में या फिर घुलनशील पदार्थों के रूप में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है साथियों, पाचन कहलाता है। अब बात आती है साथियों कि सिस्टम क्या है, ये तंत्र क्या है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स यानी कि अंगों का समूह ही क्या कहलाता है साथियों, सिस्टम कहलाता है। तो इन दोनों को अगर साथियों मैं एक साथ मिलाकर ये कहूं कि ऐसे अंगों का समूह है जो साथियों पाचन में सहायक होता है, क्या कहलाता है भैया, पाचन तंत्र कहलाता है। बात क्लियर है? अब मैं आपको एक बार इस चैप्टर से जुड़ने के लिए, इस चैप्टर से कनेक्ट होने के लिए मैं ये बता देता हूँ कि अब तक हमने इस डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया, कौन कौन से ऑर्गन पढ़ लिए। देखिए भैया, सबसे पहले हमने माउथ के बारे में चर्चा की थी, यानी कि मुंह के बारे में चर्चा की थी। साथ ही माउथ में हमने तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा। नंबर एक, टीथ के बारे में यानी कि दांत के बारे में। नंबर दो पर टंग के बारे में यानी कि जीभ के बारे में, और नंबर तीन पर सलाइवरी ग्लैंड के बारे में यानी कि लारीय ग्रंथि के बारे में। साथियों, माउथ के बाद में जो भोजन जाता है साथियों, ये जाता है भैया फेरिक्स में, PHARYNX, इसे हिंदी में कहा जाता है भैया गर्सनी। साथियों, भोजन और वायु का कॉमन पथ है यह गर्सनी। साथियों, वह स्थान है जहां से अगर भोजन आएगा तो भैया ईसोफेगस में जाएगा, यानी कि भोजन नली में जाएगा, यानी कि ग्रास नाल में जाएगा। और अगर साथियों वायु आई इस स्थान पर फेरिक्स में, तो साथियों वायु कहां पे जाएगी, वायु जाएगी साथियों ट्रेकिया में, विंड पाइप में, यानी कि श्वास नली में। फेरिक्स के बाद में भोजन खा जाता है साथियों ईसोफेगस को कहा जाता है साथियों ग्रास नाल, फूड पाइप या साथियों भोजन नली भी कहा जाता है। भोजन नली के बाद में साथियों भोजन जाता है स्टोमक में, यानी कि आमाशय में, यही है साथियों आपका पेट आमाशय। और भैया स्टोमक के बाद में जो भोजन जाता है साथियों, वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि साथियों छोटी आंत में। अब तक हमने साथियों माउथ के बारे में पढ़ लिया, यानी कि दांत के बारे में, जीभ के बारे में और लारीय ग्रंथियों के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। फेरिक्स के बारे में पढ़ लिया, ईसोफेगस के बारे में पढ़ लिया, स्टोमक के बारे में यानी कि आमाशय के बारे में पढ़ लिया। अब साथियों हमने छोटी आंत नहीं पढ़ा, लेकिन साथियों छोटी आंत से पहले दो ऑर्गन है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। साथियों जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। नंबर एक पर आता है साथियों डुडेनियम, नंबर दो पर आता है साथियों जेजुनम, और नंबर तीन पर आता है साथियों इलियम।
जो डुडोनियम वाला भाग है साथियों, इससे भैया दो ऑर्गन कनेक्ट होते हैं, एक है साथियों लीवर और एक है साथियों पेंक्रियाज, यानी कि यकृत और भैया अग्नाशय। कल मैंने साथियों यकृत में डायग्राम की सहायता से आपको समझाया था। तो लीवर के बारे में साथियों हम पढ़ चुके, आज हम पढ़ने वाले हैं पेंक्रियाज के बारे में डिटेल में। और साथियों आज हमारा पेंक्रियाज खत्म हो जाएगा, फिर साथियों हम छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे और फिर साथियों बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे, तो हो सकता है कल आपका चैप्टर खत्म हो जाए। तो भैया अब आपको हेडिंग क्या लगानी है, भैया पेंक्रियाज आपको हेडिंग लगानी है। आशा करता हूँ साथियों ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिटा दूँ? ओके। अगर आपको साथियों हमारी वीडियो पसंद आती है तो भैया आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप कमेंट भी कर सकते हो अगर आपका कोई डाउट है तो, और वैसे भी आप कमेंट कर सकते हो। और साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। देखिए भैया जी अब आपको हेडिंग क्या लगानी है, पेंक्रियाज। यानी कि भैया अग्नाशय। क्या जानते हो भैया अग्नाशय के बारे में आप? अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हो तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता सकते हो। देखिए भैया मैं बताता हूं, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं, इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है साथियों कि भैया अग्नाशय की खोज किसने की थी, यानी कि पेंक्रियाज की खोज किसने की थी। तो भैया किसने की थी, एक वैज्ञानिक था साथियों लेंगर हेंस। इस लेंगर हेंस नामक वैज्ञानिक ने साथियों इस अग्नाशय की खोज की थी। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है भैया कि भैया इसकी आकृति कैसी होती है। तो साथियों पत्ते के समान इसकी आकृति होती है, पत्ते के समान साथियों इसकी आकृति होती है। साथियों मैं आपको बता दूं, मैंने अभी अभी आपको बताया साथियों कि छोटी आंत के डुओडेनम वाले भाग से साथियों दो ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं। मैंने कल भी आपको डायग्राम की सहायता से समझाया था, जैसे कि मान लीजिए यह आपका डुओडेनम वाला भाग है साथियों, यह आपका कौन सा है, डुओडेनम वाला भाग है। इस डुओडेनम वाले भाग से साथियों एक डक्ट आती है और इस डक्ट की सहायता से साथियों इस तरफ भैया आपका लीवर होता है जुड़ा होता है, और साथियों लीवर के इस तरफ एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे कहा जाता है साथियों पित्त की थैली, पित्त की थैली। और इस तरफ साथियों एक पत्तेनुमा एक संरचना होती है साथियों, इस पत्तेनुमा संरचना को कहा जाता है साथियों पेंक्रियाज, और यह है साथियों आपका लीवर। यह लीवर साथियों बाइल जूस का निर्माण करता है, यानी कि पितरस का निर्माण करता है, और साथ ही पितरस जमा कहाँ होता है, तो भैया इस पित्ताशय में जमा होता है। इस पित्त की थैली को साथियों पित्ताशय भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है पितरस का निर्माण तो लीवर में हुआ है और पित्ताशय में जाकर के ये पितरस जमा होता है और कार्य करता है साथियों छोटी आंत में आकर के। पितरस साथियों एक ऐसा रस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। हम पढ़ रहे हैं साथियों पेंक्रियाज के बारे में। मैंने आपको बताया कि पेंक्रियाज की जो आकृति होती है साथियों पत्ते के समान होती है, इसकी खोज लेंगर हेंस ने की थी। और अगला पॉइंट आप क्या लिखोगे साथियों कि ये पेंक्रियाज होता है साथियों, ये भैया छोटी आंत के डुओडेनम वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, नोट लगा के लिख लेना, पेंक्रियाज छोटी आंत के डुओडेनम वाले भाग से जुड़ा होता है। होता क्या है साथियों, ये जो पेंक्रियाज है इससे एक जूस का निर्माण होता है,
उसका नाम है पेंक्रियाटिक, पेंक्रियाटिक जूस। साथ ही उसका पीएच मान होता है लगभग 7.7 इस पेंक्रियाटिक जूस का। यानी कि इसकी प्रकृति कैसी हो गई साथियों, इसकी प्रकृति होती है भैया क्षारीय। और साथियों इस पेंक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं साथियों, एंजाइम होते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं साथियों, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। आशा करता हूं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और देखिए भैया अगला पॉइंट क्या लिखोगे साथियों आप, कि अग्न्याशय साथियों एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है, अग्न्याशय एक मिश्रित यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड है। अब देखिए भैया आपको यहां पर एक शब्द दिख रहा होगा मिश्रित ग्रंथि है। अब बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि भैया ग्रंथि क्या होती है, तो भैया उन लोगों को मिश्रित ग्रंथि के बारे में क्या पता। तो देखिए ग्रंथि क्या होती है, ग्लैंड क्या होती है साथियों, हमारे शरीर का कोई अंग या फिर ऊतकों का समूह है, कोई रासायनिक यौगिक बनाता है और साथियों उसे अपने से बाहर डाल देता है। बाहर डालने का सेंस यह है साथियों कि या तो वो शरीर से बाहर डाल देगा या फिर साथियों किसी अन्य अंग में डाल देगा। अब ये रासायनिक यौगिक क्या क्या हो सकते हैं, तो साथियों ये जूस हो सकता है जैसे कि पेंक्रियाटिक जूस, जैसे कि बाइल जूस, इस प्रकार का जूस वो पीने वाला नहीं साथियों। दूसरी बात एंजाइम हो सकते हैं, बहुत सारे एंजाइम आपने इस चैप्टर में पढ़े होंगे और साथियों अभी मैं आपको और पढ़ाने वाला हूँ। और साथियों हार्मोन, ये तीन हो सकते हैं साथियों रासायनिक यौगिक। अब देखिए मैं लिख देता हूँ फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमारे शरीर का कोई अंग या उत्तकों का समूह है, हमारे शरीर का कोई अंग या उत्तकों का समूह है जो रासायनिक यौगिक बनाए और अपने से यानी कि स्वयं से बाहर डाल दे। अब साथियों रासायनिक यौगिक क्या क्या हो सकते हैं, तो ये रासायनिक यौगिक तीन प्रकार के हो सकते हैं, दिख रहा है ना आपको, यहां लिख देता हूं रासायनिक यौगिक तीन प्रकार के हो सकते हैं। नंबर एक पर जूस यानी कि रस, नंबर दो पर साथियों एंजाइम, हाँ दिख रहा है आपको, और नंबर तीन पर हो सकता है साथियों हार्मोन। ग्रंथि क्या है भैया, शरीर का कोई अंग या उत्तकों का समूह है जो साथियों रासायनिक यौगिक बनाए और अपने से बाहर डाल दे साथियों, वही क्या है, वही ग्रंथि है, वही ग्लैंड है। अब साथियों ग्रंथि होती है भैया ये तीन प्रकार की होती है, एक होती है साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि और साथियों एक होती है भैया बहिःस्रावी ग्रंथि और नंबर तीन पर होती है साथियों मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड साथियों ये ग्रंथि तीन प्रकार की होती है। अब यह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो ऐसी ग्रंथि साथियों जो हार्मोन बनाए, जो क्या बनाए भैया हार्मोन बनाए, यह भैया अंतःस्रावी ग्रंथि।
बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है साथियों? तो ऐसी ग्रंथि जो भैया जूस बनाती हो और भैया एंजाइम भी बनाती हो, ये एंजाइम और ये रस, वो साथियों बहिस्रावी ग्रंथि है। और मिक्स ग्रंथि कौन सी है? जो साथियों जूस भी बनाती हो, एंजाइम भी बनाती हो और साथियों हार्मोन भी बनाती हो। तो साथियों आपकी जो अग्नाशय है ये साथियों एक मिश्रित ग्रंथि है, ये साथियों जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और भैया हार्मोन भी बनाती है। बोलो 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 भैया जी, आपको क्या समझ में नहीं आया? क्या मैंने समझाया वो आपको समझ में आया? मैं कह रहा हूं कि भैया अभी पेंक्रियाज को आप छोड़ दो, अग्नाशय को छोड़ दो, जो मैं समझा रहा हूं साथियों सिर्फ आप वो समझना। मैं आपसे ये कह रहा हूं साथियों कि भैया ग्रंथि क्या होती है। तो साथियों हमारे शरीर का कोई अंग या उत्तकों का समूह है जो रासायनिक यौगिक बनाए और अपने से बाहर डाल दे, वही साथियों ग्रंथि है। अब ये रासायनिक यौगिक क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि कोई अंग या उत्तकों का समूह वो क्या क्या बना सकता है? तो भैया वो जूस यानी कि रस, एंजाइम और हार्मोन, ये तीन चीज बना सकता है। अब साथियों इन तीनों के आधार पर जो ग्रंथि है साथियों से तीन भागों में बांटा गया है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? तो साथियों वह ग्रंथि यानी कि कोई ऐसा अंग या उत्तकों का समूह साथियों जो भैया क्या बनाता हो, हार्मोन बनाता हो, वो तो है अंतःस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि क्या है? तो ऐसा कोई अंग या उत्तकों का समूह जो साथियों रस और एंजाइम बनाता हो, वो भैया बहिस्रावी ग्रंथि है। और मिश्रित ग्रंथि क्या है साथियों? ऐसा कोई अंग या उत्तकों का समूह साथियों जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों चीज बनाता हो, वो भैया मिश्रित ग्रंथि है। तो भैया आपका जो पेंक्रियाज है, जो अग्नाशय है साथियों, तीनों चीज बनाता है भैया, या जूस भी बनाता है, एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन भी बनाता है। अभी मैं बताऊंगा साथियों कि क्या क्या कैसे कैसे कौन कौन सा तो जूस बनाता है, कौन सा एंजाइम बनाता है और कौन सा हार्मोन बनाता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है साथियों तो भैया आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। अगर आपको कंटेंट में मजा आ रहा है, अगर आपको बात हमारी समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब साथियों किसी को पता है हमारे जो अग्नाशय है, हमारा जो पेंक्रियाज है साथियों, इसमें चार सेल पाई जाती है, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि चार प्रकार की सेल पाई जाती है। किसी को नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, बता सकते हो? नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं बताने वाला हूँ। बस वीडियो में अंत तक बने रहना साथियों, मैं आपको बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूँ, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे साथियों पेंक्रियाज, अग्नाशय के बारे में। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था साथियों कि हमारा जो पेंक्रियाज होता है, हमारा जो अग्नाशय होता है साथियों, इसकी संरचना कैसी होती है? तो भैया इसकी संरचना होती है पत्ते के समान। जैसे कि मैंने मान लिया ये आपका क्या है साथियों, ये आपका अग्नाशय, ये क्या आपका अग्नाशय, इसमें चार सेल है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इसमें कितनी सेल है? चार सेल है, यानी कि चार कोशिकाएं। नाम क्या क्या है? एक का नाम है साथियों एल्फा सेल, दूसरी का नाम है साथियों बीटा सेल, तीसरी का नाम है साथियों गामा सेल और चौथी का नाम है भैया एफ सेल। इन कोशिकाओं को साथियों क्या कहा जाता है? इन कोशिकाओं को कहा जाता है आइसलेट, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस यानी कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, इन्हें क्या कहा जाता है साथियों? लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है साथियों? लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर है? और देखिए भैया साथियों, जो एल्फा, बीटा और जो गामा सेल है साथियों, ये भैया हार्मोन का निर्माण करती है। किसका? हार्मोन का।
और साथ ही जो एप्सेल है भैया, ये भैया जूस का निर्माण करती है। कौन से जूस का? तो भैया पैनक्रियेटिक जूस का। और इस जूस में साथियों एंजाइम होते हैं जो भैया डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं उनके बारे में भी साथियों मैं अभी आपको बताने वाला हूं। फिलहाल आपको ये बताओ कि ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। मैंने आपसे कहा था साथियों कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती क्या है, तो ऐसी ग्रंथि साथियों जो भैया किसका निर्माण करती हो, हार्मोन का निर्माण करती हो। तो मैं कह सकता हूँ कि साथियों अल्फा बीटा और जो गामा सेल है भैया ये हार्मोन का निर्माण कर रही है। तो भैया इन्हें मैं अंतःस्रावी ग्रंथियों में रख दूँ, एंडो क्राइन ग्लैंड में रख सकता हूँ साथियों, कि भैया ये जो कोशिका है साथियों ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि भैया ये भी हार्मोन बनाती है और ये कोशिका भी हार्मोन बना रही है। तो मैं कह सकता हूँ साथियों कि ये जो कोशिका है भैया ये एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह व्यवहार करती है। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, जो एप्सेल है साथियों जूस का निर्माण कर रही है, और किस जूस का? तो पैंक्रियाटिक जूस का। और साथियों इस पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम पाए जाते हैं साथियों। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं अभी मैं बताने वाला हूं उनके बारे में भी। और साथियों ये एंजाइम क्या करते हैं, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये भैया डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो भैया मैंने अभी आपको बताया था साथियों कि जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है, जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है यानी कि एक जो क्राइन ग्लैंड, ऐसी ग्रंथि साथियों जो जूस और एंजाइम बनाती है साथियों वो होती है बहिःस्रावी ग्रंथि। तो देखिए ये कोशिका जूस और एंजाइम का निर्माण कर रही है और साथियों बहिःस्रावी ग्रंथियों का भी यही काम है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एप्सेल है साथियों ये बहिःस्रावी ग्रंथियों की तरह व्यवहार करती है। और साथियों मैंने आपको जब ग्रंथि पढ़ाई थी साथियों तो मैंने आपको बताया था कि भैया ऐसी ग्रंथि जो भैया अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करे, या फिर साथियों मैंने आपको यह बताया था कि हार्मोन एंजाइम और साथियों जूस इन तीनों का जो ग्रंथि निर्माण करती है साथियों वो होती है भैया मिक्स्ड ग्लैंड। मैं लिख सकता हूं यहां पर मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। ये रीजन है भैया अग्नाशय को इसलिए कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि क्योंकि हार्मोन भी बनाती है, जूस भी बनाती है और एंजाइम भी बनाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है, बहिःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी कार्य करती है। तो आशा करता हूँ साथियों ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब साथियों यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए। वो अच्छी चीज क्या है? वो अच्छी चीज ये है साथियों कि अल्फा सेल, बीटा सेल और साथियों गामा सेल इन तीनों के बारे में साथियों अंतःस्रावी तंत्र में पढ़ते हैं, यानी कि एक जो सॉरी एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं। एक चैप्टर होता है साथियों जो कि आपके बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। इस चैप्टर में साथियों ऐसी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं हम जो साथियों हार्मोन का निर्माण करती है। तो भैया अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल इन तीनों के बारे में साथियों हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमें क्या पढ़ना है साथियों? अभी हमें एप्सेल के बारे में पढ़ना है साथियों जो कि पैंक्रियाटिक जूस बनाती है, और इस पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम है साथियों जो भोजन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं, उन साथियों एंजाइमों के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहां तक बात क्लियर है? अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है इस बात का तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब हम पढ़ते हैं भैया पैंक्रियाटिक जूस के बारे में और साथियों एंजाइमों के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके भैया मिटा देता हूं।
देखिए भैया, अब बात करते हैं हम ऐप सेल के बारे में। तो आपको हेडिंग क्या लगानी है अब, ऐप सेल। और साथ ही ऐप सेल किसका निर्माण करता है, तो भैया ये निर्माण करता है पेंक्रियाटिक जूस का। पेंक्रियाटिक जूस का साथियों, इस पेंक्रियाटिक जूस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात साथियों, इसका जो पीएच मान होता है वो होता है भैया 7.7। यानी कि इसकी जो प्रकृति होगी साथियों वो कैसी होगी, इसकी साथियों दुर्बल क्षारीय होगी। ये बात क्लियर है। अगर आपको साथियों पीएच के बारे में कुछ नहीं पता तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख लेना, आपको भैया प्लेलिस्ट में भी इसका लिंक मिल जाएगा और आप चैनल पर वीडियो देखोगे साथियों तो भैया आपको जरूर पीएच के बारे में एक पूरी वीडियो है साथियों, उसमें मैंने बताया है कि भैया पीएच होता क्या है और भैया ये इसकी प्रकृति ये क्या होती है, कैसे निकाली जाती है। बात क्लियर है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि जो पेंक्रियाटिक जूस है उसका पीएच मान कितना होता है, तो साथियों 7.7 होता है। इसकी प्रकृति होती है साथियों दुर्बल क्षारीय। अब देखिए, एक दिन में साथियों लगभग 1 लीटर पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण होता है साथियों प्रतिदिन। यानी कि एक दिन में साथियों ये पेंक्रियाटिक जूस हमारे अग्नाशय में कितना बनता है साथियों, लगभग 1 लीटर बनता है। ये बात क्लियर है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था साथियों कि आपका जो ये पेंक्रियाज होता है ये अग्नाशय होता है साथियों, ये भैया छोटी आंत के डुओडेनियम भाग से जुड़ा होता है। बताया था या नहीं बताया था, बताया था साथियों। अब साथियों इस ऐप सेल से भैया इस पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण हुआ। अब ये पेंक्रियाटिक जूस साथियों कहाँ जाएगा, इस छोटी आंत के डुओडेनियम वाले भाग में आ जाएगा और साथियों यहाँ आकर के भोजन का पाचन करेगा। यहाँ करके क्या करेगा साथियों, भोजन का पाचन करेगा। ये पेंक्रियाटिक जूस नहीं करेगा साथियों, इस पेंक्रियाटिक जूस में साथियों एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम साथियों इस छोटी आंत के डुओडेनियम वाले भाग में आकर के भोजन का पाचन करते हैं, यानी कि डाइजेशन करते हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए भैया, 3 एंजाइम पाए जाते हैं साथियों। नंबर 1 पर बात आती है एमाइलेज एंजाइम, नंबर 2 पर बात आती है साथियों ट्रिप्सिन एंजाइम, और नंबर 3 पर बात आती है साथियों लाइपेज एंजाइम। अब साथियों किस तरीके से ये तीनों एंजाइम भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एमाइलेज एंजाइम की। साथियों अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले की वीडियो देखो, जिसके बाद में आज की क्लास आपको समझ में आएगी। क्योंकि अब ये साथियों मैं एंजाइमों के बारे में बताने वाला हूं साथियों, ये सभी बातें पिछली क्लासों से संबंधित है। कहने का मतलब, मैंने आपको साथियों लार के बारे में बताया था, लार के बारे में बताया था साथियों। इस लार में 2 एंजाइम पाए जाते थे, एक तो था साथियों लाइसोजाइम एंजाइम, और एक था साथियों टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, या फिर साथियों इसे ही कहा गया है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। अब ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम ये क्या करता है साथियों, तो मैंने आपको बताया था साथियों कि जो कार्बोहाइड्रेट होती है साथियों, कार्बोहाइड्रेट किस किस से प्राप्त होती है, अनाज, मिठाई, जूस, गन्ना, गुड़, चावल, आलू, मक्का, ये सभी क्या है साथियों, ये सभी भैया कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है।
ये सभी क्या है साथियों, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। और साथियों कार्बोहाइड्रेट को हम किस फॉर्म में खाते हैं, तो भी हम कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ किस फॉर्म में खाते हैं, स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं। स्टार्च क्या है साथियों, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इस स्टार्च को साथियों स्टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम ने किस में कन्वर्ट किया था साथियों, माल्टोज में कन्वर्ट किया था। यानी कि आपकी लार में साथियों जो एंजाइम पाया जाता है, इसने भैया कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो किया था, लेकिन मैंने आपको बताया था साथियों कि ये अपूर्ण पाचन करता है, पूर्ण रूप से पाचन नहीं करता भैया कार्बोहाइड्रेट का। तो भैया बात यह आती है कि भैया कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन कौन करेगा, तो साथियों माल्टोज को छोटी आंत में एक एंजाइम पाया जाता है, माल्टेज एंजाइम, वो भैया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ेगा। लेकिन उससे पहले साथियों जो बचा हुआ साथियों कार्बोहाइड्रेट मुंह से निकलकर आ गया है साथियों, उसको छोटी आंत में ये जो अग्नाशय में साथियों ये जो एंजाइम पाया जाता है, छोटी आंत से जुड़ा हुआ ये जो अंग है साथियों अग्नाशय, इस अग्नाशय से साथियों एक रस निकलता है पेंक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशय रस। इस अग्नाशय रस में एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम। ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है साथियों, इस स्टार्च को माल्टोज में साथियों 100% तोड़ता है, 100% तोड़ता है, यानी कि 100% इसका पाचन करता है, 100% साथियों इसका डाइजेशन करता है। बोलो एमाइलेज एंजाइम के बारे में आपको कहानी समझ में आई या नहीं आई? मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा है साथियों कि मुंह से जो कार्बोहाइड्रेट पचा नहीं है साथियों वो हमारी छोटी आंत तक आ गया, और साथियों छोटी आंत में इस स्टार्च को पूरे 100% साथियों माल्टोज में कौन कन्वर्ट करता है, एमाइलेज एंजाइम करता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो मैंने आपको बातें बताई है साथियों ये पिछली क्लास की है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी साथियों, वहां पर जाकर देख लेना भैया, आपको 100 में से 100% बातें जरूर समझ में आएगी। तो एमाइलेज एंजाइम की कहानी समझ में आ गई। अब बात करते हैं साथियों ट्रिप्सिन एंजाइम की। उससे पहले साथियों अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। अगर साथियों आपको हमारी वीडियो में दम लग रही है, दम का मतलब यह है साथियों का अगर अच्छी लग रही है, अच्छा कंटेंट लग रहा है और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करता हूँ ये सभी काम आपने कर लिए होंगे। अब मैं मिटा देता हूँ और साथियों आगे बढ़ते हैं। अब हम किसके बारे में बात करेंगे साथियों, ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में बात करेंगे, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम के बारे में बात करेंगे। अब हमारे साथियों कौन कौन से एंजाइम बच गए, अब हमारे साथियों दो एंजाइम बच गए, एक का नाम है साथियों ट्रिप्सिन और एक का नाम है साथियों लाइपेज। ये दोनों एंजाइम है साथियों और अब हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है। मेरी आदत है साथियों मैं शुरू से पढ़ाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। देखिए जनाब, आपने दाल खाई, आपने सोयाबीन खाई, आपने मशरूम खाई, आपने अंडा खाया, आपने मांस खाया, आपने दूध पिया, इन सभी से साथियों आपको क्या मिलती है, तो इन सभी से आपको मिलती है भैया प्रोटीन। और प्रोटीन को साथियों पेप्टोन्स या फिर साथियों पेप्टाइड इसमें कन्वर्ट कौन करता है, तो भैया पेप्सिन एंजाइम करता है। कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम करता है। और ये पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है साथियों, तो आपके आमाशय में पाया जाता है, आपके स्टोमक में पाया जाता है, आपके पेट में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था साथियों कि स्टोमक में यानी कि आपके पेट में दो एंजाइम पाए जाते हैं जो निष्क्रिय अवस्था में थे, एक तो था पेप्सिनोजन और एक था साथियों
प्रोरेनिन। तो भैया इस पेप्सिनोजन को HCl ने पेप्सिन में कन्वर्ट किया और प्रोरेनिन को साथियों HCl ने रेनिन में कन्वर्ट किया। ये मैंने आपको जब पेट पढ़ाया था साथियों जब बताया था। तो भैया ये पेप्सिन एंजाइम है, इस पेप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन को किस में कन्वर्ट किया, पेप्टोन्स और पेप्टाइड में कन्वर्ट किया। बात क्लियर है। अब साथियों इस पेप्टोन्स और पेप्टाइड को ये जो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम है साथियों, ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है साथियों ये किस में कन्वर्ट करेगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। और साथियों एमिनो एसिड है ये साथियों प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। एमिनो एसिड के बाद में साथियों इस प्रोटीन का पाचन नहीं होता। अब साथियों इसको अवशोषण किया जाता है। छोटी आंत के इलियम भाग द्वारा साथियों इसका अवशोषण होगा और अवशोषण होकर के साथियों इसे ब्लड की सहायता से कहां भेज दिया जाता है साथियों, आपकी सेल के पास भेज दिया जाता है, कोशिकाओं के पास भेज दिया जाता है। और कोशिकाओं के पास साथियों किस रूप में पहुंचते हैं, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज के रूप में पहुंचते हैं। और साथियों इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है आपके कोशिकाओं में और क्या बनाया जाता है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथियों ATP। साथियों हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है भैया वो ATP के रूप में बनती है। इस ATP की फुल फॉर्म आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस तरीके से भैया प्रोटीन का पाचन हो गया पूर्ण रूप से। देख लीजिए भैया प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन कहां पर होता है साथियों, तो भैया छोटी आंत के डुओडेनम वाले भाग में होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, छोटी आंत के डुओडेनम वाले भाग के बाद में साथियों किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता। पूर्ण रूप से पाचन साथियों छोटी आंत के डुओडेनम वाले भाग में ही होता है। दो तो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन। और साथियों कल कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन मैं आपको पढ़ा दूंगा छोटी आंत में, क्योंकि छोटी आंत में साथियों जो आती है छोटी आंत से साथियों एक जूस निकलता है जिसे बोला जाता है आंतीय रस, एक रस निकलता है जिसे आंतीय रस बोला जाता है। और उस रस में साथियों कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, वो एंजाइम साथियों भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, तो उनके बारे में कल चर्चा करेंगे। फिलहाल साथियों आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथियों अगर आपको इन पर पर्सनल क्लास चाहिए कि भैया हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और हमारे शरीर में साथियों प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, तो भैया मैंने पर्सनल इन एंजाइमों पर क्लास ले रखी है। आप चैनल पर जाओगे देखना प्लेलिस्ट में आपको साथियों इन तीनों पर साथियों अलग अलग पर्सनल क्लास मिल जाएगी, आपको वहां पर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम पाचन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ते हैं साथियों तो किसी का खा पाचन होता है किसी का खा पाचन होता है तो हमारे दिमाग में सेट नहीं हो पाता अच्छे से, लेकिन वहां देखोगे आप तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्क्रीन शॉट ले लिया, ओके भैया मिटा देता हूँ। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों, इस लाइपेज एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि भैया ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में तो हमने पढ़ लिया, एमाइलेज एंजाइम के बारे में पढ़ लिया, अब साथ ही हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइपेज एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। कोई ना भैया देखिए आपने क्या खाया, घी खाया, तेल खाया, डालडा खाया, बटर खाया, चीज खाई और मांस खाया, इन सबसे आपको क्या मिलता है साथियों, वसा मिलता है, लिपिड्स फैट मिलता है। साथियों वसा को आप बड़े बड़े टुकड़ों में खाते हो या नहीं खाते, तो साथियों इन बड़े बड़े टुकड़ों को साथियों बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कौन तोड़ता है, तो आपका जो लीवर है साथियों इस लीवर में एक जूस का निर्माण होता है जिसे बाइल जूस कहा जाता है, जिसे पित्तरस कहा जाता है। इस पित्तरस में साथियों कोई एंजाइम नहीं होता, इसमें साथियों कुछ आयन्स होते हैं जो भैया एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। वो एंजाइम कौन कौन से हैं, सॉरी वो आयन्स कौन कौन से हैं, एक तो है साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट और एक है साथियों सोडियम ग्लाइकोलेट।
ये दो आयन्स है साथियों जो भैया एंजाइम की तरह कार्य करते हैं और साथियों वसा के पाचन में हेल्प करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को साथियों छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है साथियों, इमल्सिफिकेशन कहलाता है यानी कि पायसीकरण कहलाता है। लीवर किस प्रक्रिया पर काम करता है, तो इमल्सिफिकेशन प्रक्रिया पर कार्य करता है। अब साथियों होता क्या है, ये वसा की जो छोटी छोटी गोलियां है साथियों इन्हें भैया ये जो लाइपेज एंजाइम है ये किस में तोड़ेगा, ये भैया वसीय अम्ल प्लस में ग्लिसरॉल में तोड़ता है, वसीय अम्ल प्लस में ग्लिसरॉल में तोड़ता है। साथियों वसीय अम्ल है भैया ये वसा की सबसे छोटी इकाई है, इसके बाद में साथियों वसा का पाचन नहीं होता, छोटी आंत के इलियम भाग द्वारा इसका अवशोषण किया जाता है, ब्लड की सहायता से कोशिकाओं के पास भेज दिया जाता है, फिर साथियों कोशिकाओं में क्या होता है ये ग्लूकोज के फॉर्म में पहुंचती है, फिर ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में बनती है, एटीपी के रूप में बनती है। तो साथियों वसा का इस तरीके से पूर्णतः पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन बता दिया, वसा का पाचन बता दिया, बचा आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में साथियों जब हम छोटी आंत पढ़ेंगे तब साथियों आपको और ज़्यादा डिटेल में समझा देंगे। तो आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ साथियों आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है साथियों तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अच्छे से रहो, अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का कहना मानो और अच्छे से पढ़ाई करो, ज़रूरी है ये। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।